तो सबसे पहला जो कारण है वो है पशु के पेट में कीड़े पड़ना। और आज कम से कम जितने भी 100% जो पशु है सबके सब पशुओं में पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम है, चाहे गाय भैंस बकरी कुत्ते जितने प्रकार के पशु है उन सभी में कीड़ों की प्रॉब्लम होती है। और हम जो भी चारा या दाना जो खिलाते हैं, जो भी हम पौष्टिक आहार देते हैं, उनका 30 से 40% ही कीड़े चट कर जाते हैं और यही सबसे बड़ा लॉस होता है। और आप सोचते होंगे कि 30 से 40% कीड़े चट कैसे कर जाते हैं। हम जो भी पशु को चारा दाना खिलाते हैं वो पेट में जाके कई क्रियाओं से गुजरने के बाद में उनका ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से खून बनता है और उस ग्लूकोज उस खून को ये कीड़े चूस लेते हैं, चट कर जाते हैं। और हम जो भी चारा खिलाते हैं दाना खिलाते हैं कई खर्चा कर देते हैं और उसके बावजूद भी हमारा पशु कुपोषण का शिकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका वेट नहीं बढ़ पाता है, रिपीट होता है, उसकी आंखें अंदर चली जाती है, बदबूदार उसका गोबर आता है। तो ये प्रॉब्लम होती है कीड़े के कारण। यदि हम कीड़ों का समाधान कर दे, यदि हम समय पर यदि पशु को कीड़े की दवा दे, चाहे छोटा कटड़ा हो कटड़ी हो, चाहे गाय हो भैंस हो, चाहे बड़ा पशु हो, यदि हम हर 3 महीने दी पेट की कीड़े की दवा देते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये प्रॉब्लम यदि आपने सोल्व कर दी तो आगे प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाएगी। इसलिए चाहे गाभिन पशु हो चाहे नॉर्मल पशु हो, हमेशा पशु को टेबलेट जो कीड़े की टेबलेट होती है, जो कीड़े की दवा है वो आपको हमेशा देनी है। और जो गाभिन पशु है उनके लिए मार्केट में गाभिन पशु के लिए भी कीड़े की दवा मिल जाएगी। इसलिए चाहे कैसा भी पशु हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे गाभिन वाला पशु हो, हमेशा हर 3रे महीने पेट की कीड़ों की दवा देनी है। और यदि आपको हमारे देसी फॉर्मूले यूज करना है तो हमारे चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाके वहाँ आपको सभी प्रकार के फॉर्मूले मिल जाएंगे, तो आप उनको फॉलो कर सकते।